हम इस टाइम सीरिया के एम्बेसी पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि MIM के द्वारा काफ़ी एतजाज़ किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ दिल्ली के ऑल इंडिया मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी साहब हैं। हम नसीम सिद्दीकी साहब से पूछना चाहेंगे, नसीम सिद्दीकी साहब, यह एतजाज़ क्यों हो रहा है और क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? आज हम तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी और दिल्ली से आए और सीरिया एम्बेसी के बाहर खड़े होकर अपना एहतजाज कर रहे हैं। मेरे भाई, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि जो जुल्म व बाबरियत की दास्तां सीरिया के अंदर लिखी जा रही है, जो मासूम बच्चों की लाशें सर तन से जुदा, कहीं पर टांग तो कहीं पर हाथ, कहीं पर अतड़ियां पड़ी हुई है, और जो इंसानियत के खून तक को झिंझोड़ दे ऐसी तस्वीरें जो सामने बच्चों की देखी और जिन बच्चों ने दुनिया तक नहीं देखी, उन बच्चों को मेरे भाई, उन बच्चों को बमों से उड़ा दिया गया और सीरिया के अंदर शहीद कर दिया गया। आज वो बच्चे शहीद होकर देख रहे हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ कि आज उम्मत मुस्लिमा उनकी आवाज बन रही है या नहीं है, उनकी आवाज उठा रही है नहीं उठा रही। मेरे भाई, वो अल्लाह से इजाजत लेकर ये देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा सो चुकी है क्या? मेरे भाई, और वो तुमसे सवाल कर रहे हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि मुसलमान जो सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और इस्लाम में हमेशा इस्लाम का बोलबाला रहा है और इतनी इस्लामी हुकूमत है जो इतनी ताकतवर है और इस्लाम का कानून जो इतना ताकतवर है, तमाम इस्लामी मुल्क खामोश क्यों है? कोई क्यों आवाज नहीं बन रहा है? मेरे भाई, क्या उनसे ये कहा जाए कि हिंदुस्तान हो या चाहे तमाम मुल्कों की तरफ, बच्चों की तरफ, मुसलमान बच्चों की तरफ जो सीरिया के अंदर शहीद हो गए उनकी तरफ कोई नहीं देख सकता क्या? हमारे लिए मेरे भाई, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इस्लाम और मुसलमान एक दूसरे के बाजू और एक जिस्म के मानिंद है, अगर एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को अपने आप तकलीफ महसूस होगी। लेकिन मेरे भाई, आज क्या सिर्फ हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप ही मुसलमान है? क्या उन बच्चों का दर्द तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तमाम इस्लामी मुल्क की तरफ। कोई तो हमारी आवाज उठाओ, क्या उम्मत मुस्लिमा सो चुकी है? अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास वक्त नहीं, तुम हथियार नहीं उठा सकते, अपनी दुकानों को बंद करो, एक दिन के लिए अपने कारोबार को छोड़ो, रोडों पर आओ, सड़कों पर आओ, तुम हथियार नहीं उठा सकते। तो मेरे भाई, चीखो चिल्लाओ, रो रुलाओ, लेकिन मेरे भाई, उन बच्चों के लिए आवाज उठाओ। वो बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और ये भाड़ मीडिया आज यहाँ पर नहीं खड़ी। अगर एक श्रीदेवी मरती है तो तमाम मीडिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में भी एक न्यूज दिखाती है, लेकिन वो मासूम बच्चे जिन्होंने दुनिया तक नहीं देखी, उनको जला दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, उन्हें काट दिया गया, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मेरे भाई, क्या उम्मत मुस्लिमा सो चुकी है? याद रखो मुसलमानों, जब अदल का सावन बरसेगा, तख्त इलाही गरजेगा, जब पकड़ा जाएगा कातिल को, जब जकड़ा जाएगा बातिल को, तो जब सामने खुदा जुल जलाल आएगा तो फिर तुम पर भी सवाल आएगा। जब जालिम होश खो बैठेगा तो तुम साई में होश कैसे रहोगे? आज उनके खून से बहती हुई तस्वीरें देखकर खामोश हो, बताओ उस वक्त खामोश कैसे रहोगे? मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, तमाम मुल्कों के ममालिकों से, जो इतने ताकतवर हर कुछ है उनके पास, मेरे भाई, इन सीरिया के बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिन्हें बमों से उड़ा दिया गया, इन तमाम लोगों के लिए जो शहीद हो गए मेरे भाई, इनके लिए आवाज उठाओ ताकि उनकी आवाज तुम बनो तो उनको इंसाफ मिल सके। और मैं सलाम करना चाहता हूँ तुर्की के प्रेसिडेंट को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अपनी फौज को सीरिया के अंदर भेजा, और अल्लाह से दुआ करिए कि वो फौज कामयाब होकर लौटे मेरे भाई, और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब के चेहरे का वास्ता, तू मुसलमानों के खोए हुए वक्कार को लौटा दे ताकि उम्मत मुस्लिमा इन जालिमों को उखाड़ कर फेंक दे और ये निस्तो नाबूद कर दे। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से और तमाम मुल्कों के ममालिकों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि तमाम लोग, मैं आपके बीच में मेरे भाई, आज हम सीरिया के एम्बेसी के बाहर खड़े हुए और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन यहाँ पर आए हुए हैं, इन
ان تمام علی گڑھ کے مسلمانوں کو، یوپی کے مسلمانوں کو، دلی کے مسلمانوں کو، ان لوگوں کو سلام جو ان لوگوں کے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام، اور ان ہندو بھائیوں کو سلام جنہوں نے ان بچوں کا درد سمجھا اور ان کے لیے دلی کے اندر احتجاج کیا۔ میرے بھائی جیسے ہم سڑکوں پر آئے ہیں، تمام ہندوستان کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے ہوں، وہ سڑکوں پر آئے، احتجاج کرے، اپنا غصہ دکھائے اور بتائے کہ مسلمانوں کو کبھی سیریا میں مارا جا رہا ہے، کبھی برما میں مارا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں مارا جا رہا ہے، مارے بھی ہم جائیں اور دہشت گرد بھی ہم کہلائے۔ یہ کون سی سوچ ہے میرے بھائی؟ اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا ہندوستان کے کونے کونے میں اور تمام ملکوں کے کونوں میں جان گنواتے رہو گے۔ ایک ہو جاؤ میرے بھائی، اتحاد لاؤ، خدا کے واسطے اتحاد لاؤ۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہی آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ روڈوں پر آ کر اپنا احتجاج جتائے۔ کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تو مت اٹھائے، لیکن میرے بھائی روٹی اور کپڑا مکان ہی سب کچھ نہیں ہوتا، وہ بچے بھی مسلمان ہیں اور وہ لوگ بھی مسلمان ہیں جو مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائے میرے بھائی۔ خدا حافظ۔